यार वो भाई इंडियन प्राइम मिनिस्टर यार सोच भी नहीं सकते यार तो पाकिस्तान की करेगा। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गिराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे, इंशाल्लाह जरूर खड़े होंगे इंशाल्लाह। जी इसकी वजह ये है कि आप ये देख लें जब इंडिया 1992 के अंदर बिल्कुल एक लोअर स्टेज के अंदर पहुंच गया था, उनके पास बिल्कुल पैसा खत्म हो चुका था। अच्छा स्टेट बैंक के पास गया था, उन्हें कहा कि हमें पैसे दो, हमें नहीं है, लेकिन उसके वक्त उन्होंने वहाँ पे अपना सोना वहाँ पे रखा और वहाँ पे पैसे लिए, लेकिन उन्होंने 2 साल के अंदर वो जो सोना उनके पास रखा था वो भी उन्होंने वापस ले लिया और उसके बाद उसे डबल उन्होंने अर्न किया। इसके बारे में यही है कि इंडिया भेड़िये ने मेमने से कहा मैं तुम्हें खा जाऊंगा, गले में खिचखिच मिक्स लो, मिक्स में 6 औषधि तत्व हैं जो खिचखिच हटाए, तो जब भी गले में खिचखिच हो मिक्स लो। खिचखिच गले में क्या करूं, पार्लियामेंट के मेंबर थे ना ऋषि सनक, नहीं वो पहले से पार्लियामेंट में थे, मैं पार्लियामेंट में पहले से थे। देखिए इंडियंस अगर आप ये पूछ रहे हैं कि वो पहले से थे या क्यों रख लिया है तो आप इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में देखिए इंडियंस ही वहाँ पर काम करें, क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि उनमें काबिलियत है, एजुकेटेड है वो, वेल एजुकेटेड है, प्रोफेशनल है वो। नहीं वेल एजुकेटेड तो पाकिस्तानी भी बहुत ज्यादा है कि कुछ कुछ साइंटिस्ट हैं जो पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, उन्होंने इंडिया में जाकर उनको सिखाया, वेल एजुकेटेड तो पाकिस्तान। एक एग्जांपल एग्जांपल है नहीं मगर माइंड में नहीं है, मैं खुद एमफिल माइक्रोबायोलॉजी लेकिन माइंड में नहीं आ रहा तुझे क्या, तू है कौन? क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं। आप बोलो है क्यों नहीं है, एग्जांपल देना किसका था साइंटिस्ट का। अच्छा आप और इससे हटके ना बेसिकली हमने दीन को छोड़ा है ना, कहते हैं कि अल्लाह से होता है अल्लाह के गैर से नहीं होता, ये ईमान जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा ना हमें नॉलेज भी नहीं आएगा, अल्लाह हमारी मदद भी नहीं करेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हमारी मिस्टेक्स हैं, सारे हमारे गुनाह हैं, जैसे माशरे में हमारे लोग होंगे अवाम होंगे इस तरह के गुनाह होंगे, ये हमारी हम गुनाह कर रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं, हम दीन से हट गए हैं तो जो बाहर के लोग हैं वो बेशक दीनदार नहीं है लेकिन वो इखलाक के मुताबिक मेहनत करते हैं। बस हवा निकल गई, हमारी अपनी गलती है, हम किसी को क्या कहें, हमारे घर में एक दूसरे की नहीं सुननी जाती, हम किसी को क्या कहें। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप देखें यूके का प्राइम मिनिस्टर बनना कोई छोटी बात नहीं है, अब इतनी बड़ी यूके का प्राइम मिनिस्टर बन के वो क्या करेगा, अल्लाह से होता है अल्लाह के गैर से नहीं होता। एक मिनट सर देखिए, अच्छा इसीलिए फिर पाकिस्तान पीछे है जो हम लोग यहाँ पर खड़े होकर कैसे आगे हो, कैसे आगे है ना, हम मुस्लिम कंट्री है सबसे आगे। शर्म करो भगवान से डरो भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। मुस्लिम कंपनी मतलब ये क्या बात है, कंट्री मुस्लिम कंट्री, हम ये क्या बात है कि हम आगे हैं। पीछे रहने की ये भी वजह है कि हमारी यूनिवर्सिटी लेवल्स में बच्चों को सही नहीं पढ़ाया जाता, ना रिसर्च करवाई जाती है, टीचर्स वो नहीं रहे, स्टूडेंट्स वो नहीं रहे, ये सारी हमारी मिस्टेक्स है इसलिए हम आगे तक नहीं जा रहे, बाकी हमारी अपनी गलतियां हैं, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। वर्ल्ड वॉर 3 जो आखिरी जंग है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उतारूं तो वो है गज़वा हिंद। मैं इस पर एक पॉइंट ऐड करूंगा, मैं तब प्राउड फील करता अगर पाकिस्तानी जो है वो उनको लीड करता। अच्छा सिखों के ऊपर भी जो है वो बहुत ज्यादा, कश्मीर में तो इतना जुल्म होता कि भाई मैं आपको क्या बताऊं कि कश्मीर के अंदर उन्होंने जुल्म करके सबसे हाईएस्ट सिनेमा हॉल बना दिया, कश्मीर के दुनिया के सबसे हाईएस्ट ब्रिज बना दिया है, इन अंदर स्कूलिंग निजाम सबसे बेहतरीन बना दिया, क्या कहना चाहेंगे, बेहतरीन बन गया हुआ। अभी मैं आपको एक और बात बताऊं कि इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं इंडिया के कश्मीर के अंदर, इतना मोदी ने डेवलप कर दिया, हमने अपने कश्मीर के लिए क्या किया इसका थोड़ा देखिए। अगर गोरों ने हम पे 100 साल हुकूमत की है पर अभी तक मेरे ख्याल में हम उनकी गुलामी से नहीं निकले, बेशक वो यहाँ से चले भी गए हैं, हम का मतलब हम पाकिस्तानी सही बात है। तो मैं इसको एज ए इंडियन भी यही कहूँगा क्योंकि वो भी ज़्यादा जो अट्रैक्टिव हैं वो यूरोप की तरफ ही हैं, या वो मोस्टली प्रेफर करते हैं कि वो यूरोप जाएँ, उनके कल्चर को फॉलो करें, या उनकी गर्ल्स या बॉयज हमारे भी इसी तरह हैं, तो मेरा नहीं ख्याल इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। और अगर आप गोरों को देखें तो वो वैसे भी सबको इक्वल लेकर चलते हैं,
ठीक है, अगर वो यहाँ पर इन्होंने बड़े सगीर में भी हुकूमत की है तब भी वो देखें उन्होंने ज़्यादा किसको प्रेफर किया, इंडियंस को, ज़्यादा किसकी चलती थी, इंडियंस की, मुसलमानों को तो उन्होंने नहीं किया। तो वो उनके साथ पहले भी थे मेरे ख्याल में, उनका इन्फ्लुएंस पहले भी था इस हुकूमत में भी, और मेरे ख्याल में इसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात तो यह है कि अगर वो अच्छी तरह हुकूमत करेगा तो हमें खुशी होगी, वो दुनिया के किसी भी रीजन में कोई भी एक अच्छा इंसान हुकूमत करेगा आके तो वो इंसानियत की खिदमत करेगा। तो अगर वो इंडिया से है या पाकिस्तान से है तो उसका इंसान होना पहले सबसे पहले बड़ा ज़रूरी है। तो हमें खुशी होगी कि हमारे रीजन से कोई गोरों पर हुकूमत करेगा, लेकिन अगर वो गोरों के साथ ज़्यादती करता है तो फिर हमारे लिए तो वही है जैसे कोई आम दूर का बंदा है या जिसे हम जानते ही नहीं। तो वैसे बड़ी खुशी की बात है कि कोई हमारे रीजन से ताल्लुक़ रखता है और इतना आगे जा रहा है। और इंडिया से तो बहुत लोग पहले भी MD लगे हुए हैं, वो गूगल का CEO भी इंडिया से है, तो ऐसे बहुत सारे हैं इंडिया से, तो अच्छी बात है। तो हमें वैसे भी इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुक हमारे होने चाहिए ताकि हम एक दूसरे से फ़ायदा उठा सकते, क्योंकि जस्ट वेटिंग फॉर द वर्ल्ड वॉर 3 जो आखिरी जंग है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, तो वो है गज़वा हिंद। उसकी वजह से जो है लाइक ये मुल्क अभी इकट्ठा हो ही नहीं सकता। वजह ये पीठ पीछे वार करते हैं कौन, इंडिया। शर्म करो भगवान से डरो भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। मतलब कैसे कैसे, मतलब आपको पता ही है मतलब के कितनी दौर, कितनी बड़े सगीर के दौर से चलता आ रहा है ये सीन सारा, कि कितने इन्होंने अभी भी देखें कि इंडिया में जितने मुसलमान हैं कश्मीर में हैं कितना जुल्म होता है, ठीक है। इवन के इंडिया सिखों के ऊपर भी जो है वो बहुत ज़्यादा, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है यार, नहीं शायद मतलब उनके सरकारी जरूर बन सकता है, क्या भिखारी जरूर बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। आपके ख्याल में बन सकता है कोई पाकिस्तानी? भिखारी बन नहीं सकता, भिखारी होंगे भी इंग्लैंड में पाकिस्तानी, पर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। अच्छा चलो मैं आपको एक मजेदार खबर बताता हूँ, एक ना इंडियन बंदा है, इंडियन ओरिजिन, उसका सारा खानदान इंडिया का है जी, वो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन गया है UK का। नहीं ये नहीं हो सकता सर, मैं आपको सच्ची खबर बता रहा हूँ, वाकई में बन गया, वाकई बन गया यार। यार तो फिर उन्हें मुकद्दर अल्लाह साथ देता है, आप क्या कहेंगे यार? ये तो मतलब गुड लक का यार उसका ये, लेकिन नहीं यार मैं नहीं मान रहा, ये कैसे बन गया यार? जरा मोबाइल देना मैं इनको दिखाऊं, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर, ये देखे, हाँ जी ये देखे, ऋषि सुनक पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, मेंबर है ना पार्लियामेंट का, बन गया ये, बन गया प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर पहले मेंबर था, प्राइम मिनिस्टर बन गया, हाँ जी। वो इंडियन है ना, ये देखे पाकिस्तान हमसाया मुल्क है, पर जो फर्क है ना काफी ज्यादा है। तो इंडियन बॉर्न है या पैदा इंग्लैंड में हुआ है? पैदा इंग्लैंड में हुआ है, पर उसका जो बैकग्राउंड है ना उसका नाम ऋषि सोनक, उसका नाम है इंडियन नेम है, यानी कि इंडियन बैकग्राउंड है उसका सारा, उसके जितने भी रिलेटिव सारे इंडियन हैं। हाँ जी यार बात ये है कि मतलब जो आगे डेवलप्ड कंट्रीज है ना उसमें हम इमिग्रेंट्स जो हैं, ठीक है हम इमिग्रेंट्स होते हैं, हम दूसरे मुल्कों में अफ्रीका से, चाइना से, कोरिया से हम वहाँ जा के बसे हैं, ठीक है। तो वहाँ जो हमारी जनरेशन हैं दूसरी तीसरी चल रही है अब, तो वो वहाँ इंसाफ है, ठीक है। वो कहते हैं कि ये बंदा हमारा सिटीज़न है, वो रंग नहीं देखते, वो नस्ल नहीं देखते। अमेरिका का जो है वो ब्लैक प्रेसिडेंट था, ठीक है, इसी तरह ही आप इंडिया का भी देख, सॉरी इंडिया का देख लें, प्राइम मिनिस्टर है जो UK में है, तो वो इस चीज़ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। ये चीज़ हमारे जेन में है कि हमारा रंग जो है वो सिर्फ डिफरेंट है, तो हम लोग डिफरेंट है वो चीज़। तो दोस्तों सबसे पहले तो सभी भारतवासियों को जो दिवाली पर तोहफे पर तोहफे मिल रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है, जो पहले इंडियन टीम ने दिया दिवाली गिफ्ट, और अभी जो ऋषि सुनक हैं जो कि रहने वाले तो भाई UK के हैं, सब कुछ UK का, बट जो एक वो होती है ना कि भाई बर्थ प्लेस होता है कि ये कहां से है, जहां पर 200 सालों से UK वालों ने, अंग्रेजों ने शासन किया था भारत पर, अब वापिस दौर दोबारा आ चुका है। बोलते हैं ना कि भाई बीता समय वापिस नहीं आता, तो अब होगी हिस्ट्री रिपीट, तो हिस्ट्री रिपीट हो चुकी है, और जो इंडियन है वहां का यानी कि किसी देश का सबसे शासन चलाने वाला वो व्यक्ति होता है वो भारत के ऋषि सुनक बन चुके हैं, और अमेरिका की उपराष्ट्रपति भी आपको पता है कमला हैरिस वो बनी हुई है। तो यानी कि पाकिस्तानियों का कहना है कि भाई दुनिया पर हिंदू राज करेगा। आप लोगों की क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर करें। जय हिंद जय भारत।